नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल और मेरे YouTube चैनल टेक्निकल राहुल में आपका स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आईसर 333 है और इसका हालत क्या है आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने तो देखा इस गाड़ी का धुआं कितना दे रहा है इस गाड़ी, और इस गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है और ये इतना धुआँ क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये इतना सारा धुआं दे रहा है। तो दोस्तों, मैं तो श्योर हूँ कि उसका नोजल में ही प्रॉब्लम है और मैं उसका नोजल खोल के भी बाहर चेक करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, नोजल पे है या पंप पे। मुझे तो कन्फर्म है कि उसका नोजल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इस गाड़ी का पिकअप सही है, पिकअप कम नहीं हो रहा है। और दोस्तों, इसका आवाज़ भी आप सुन लीजिए कि उसका आवाज़ कितना फड़फड़ा रहा है, और उसका आवाज़ भी सही नहीं है, जैसे वन सिलेंडर चल रहा है इस तरह की आवाज़ आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने इसका नोजल खोलना शुरू कर दिया है और जल्दी से मैं उसका नोजल खोलता हूँ और बाहर चेक करके आपको दिखाऊँगा कि उसका नोजल में ही प्रॉब्लम है या कहीं और। हाँ तो अब देखिए दोस्तों, हमने नोजल को बाहर फिट कर चुके हैं, अब हम उसका फायरिंग को दिखाएंगे, इसका किस तरह से इसका डीजल फायरिंग होता है अभी पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसका फायरिंग, ये तीनों नोजल में फायरिंग हो रहा है, लेकिन इसका डीजल का फायरिंग ज़्यादा है दोनों नोजल में और एक नोजल में कम है। तो दोस्तों, मैं तो कन्फर्म था इसका नोजल में ही प्रॉब्लम है, तो जल्दी से मैं उसको खोल के रिपेयरिंग के लिए भेज देता हूँ और फिटिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने नोजल रिपेयरिंग करके लेकर आ चुके हैं और नोजल फिट भी कर चुके हैं, और मैं उसको अभी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो उसका आवाज़ सुनिए दोस्तों, उसका आवाज़ भी कितना सही लग रहा है अभी, पहले से बेहतर। पहले जितना उसका आवाज़ भड़बड़ा रहा था वो आवाज़ गायब हो चुका है, और यहाँ पे जो नेचुरल आवाज़ आ रहा है आप उसका आवाज़ भी सुन सकते हैं। और मैं आपको इसका धुआं भी दिखाऊंगा कि असल में इसका धुआं कम हुआ या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, उसका धुआं भी गायब हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ।